आपके लिए मॉडल पेपर थर्ड तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें हमने 40 प्रश्न लिए हमने भूगोल से, 25 प्रश्न लिए हैं राजस्थान जीके से, 10 प्रश्न लिए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से और 5 प्रश्न लिए हैं सूचना प्रौद्योगिकी से। इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 80 प्रश्न लिए हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सभी विद्यार्थियों के लिए कमेंट करके जरूर बताना आपके लिए है। कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी विषय का हो, सबके लिए 80 प्रश्न वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेन सब्जेक्ट और शिक्षण विधियों को छोड़ पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए। मेन सब्जेक्ट और शिक्षण विधि के 70 प्रश्न है, चलिए उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर करना, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम शुरू करते हैं, पेपर को शुरू करते हैं और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना, आपके लिए ये लाभकारी होगा। पूरा पेपर एग्ज़ाम के पैटर्न पर बनाया गया है, सिलेबस के आधार पर। चलिए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? सूखे की प्रवृत्ति, अतिचारण, वायु प्रदूषण, जनसंख्या का दबाव। तो इसमें वायु प्रदूषण करेक्ट आंसर होगा, वायु प्रदूषण। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, कोटा, जोधपुर। करेक्ट आंसर होगा जयपुर। माही नदी का किनारा कहलाता है? बेसिन, छप्पन, काठल, थली। करेक्ट आंसर होगा काठल। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित नदी किसे कहा जाता है? घग्गर, सावी, बाणगंगा, माही। करेक्ट आंसर होगा बाणगंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपारेला, माही, ताप्ती, लूनी। करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी। राजस्थान राज्य वन विभाग रिपोर्ट 2021 के आधार पर राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, सिरोही, बीकानेर, करौली। करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, उक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? गेहूं, मटर,
जौ, कपास। करेक्ट आंसर होगा मटर। दाल कुल के पौधे नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? कोटा, झालावाड़ कोटा, बूंदी बारा, सवाई माधोपुर का कुछ भाग और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी, खजूर, बबूल, नीम। करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी। संतरा का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? झालावाड़, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? जयपुर, अलवर, बाड़मेर, कोटा। करेक्ट आंसर होगा अलवर। कौन सी जनजाति राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। करेक्ट आंसर होगा मीणा। पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। करेक्ट आंसर होगा दूसरा। खेतड़ी किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, जस्ता, तांबा, लोहा। करेक्ट आंसर होगा तांबा। झुंझुनू में खेतड़ी। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट स्थित है? कोलायत, बीकानेर, अजमेर, झामर कोटड़ा, उदयपुर, विट्ठल देव, बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर होगा झामर कोटड़ा, उदयपुर। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर। करेक्ट आंसर होगा किशनगढ़। देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ? अजमेर, भरतपुर, पेरम्बूर, कपूरथला। करेक्ट आंसर होगा अजमेर में। भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी, बूंदी, बावलिया, चित्तौड़गढ़, गोटन, नागौर, भोपालगढ़, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर होगा गोटन, नागौर। तो भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट स्थापित किया है, तो राज्य का भी पहला सफ़ेद सीमेंट गोटन, नागौर होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को
कब से लागू किया गया? 1 मई 2021, 1 मई 2020, 1 जून 2021, 1 जून 2020। करेक्ट आंसर होगा 1 मई 2021 को लागू हुआ। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क रोगी राजस्थान योजना कब से पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 अप्रैल 2022, 1 मई 2022। एक मई 2022 से शुरू की गई। करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का लोकार्पण किया गया 1 मार्च 2021, 10 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021। करेक्ट आंसर है 11 अप्रैल 2021। प्रशासन शहरों के संघ अभियान नए रूप में कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2022, 10 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022। करेक्ट आंसर होगा 15 जुलाई 2022। कादरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा दिए जाने के समय, सॉरी कादरी नहीं काजरी है, काजरी मिसप्रिंट हो गई, तो काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा दिए जाने के समय इसके निर्देशक कौन थे? गुरु दयाल सिंह, सीपी भीमैया, एचएस मान, ओपी यादव। करेक्ट आंसर होगा सीपी भीमैया। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राज्यपाल। करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 13, 15, 14, 16। करेक्ट आंसर होगा 15 चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के आम चुनाव। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35, 40। करेक्ट आंसर होगा 35। राजस्थान से संसद में 35 चुने जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिसको राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? गिरजा व्यास, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, कमला बेनीवाल। करेक्ट आंसर होगा कमला बेनीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पहलीवाल, हरिदेव जोशी। करेक्ट आंसर होगा हरिदेव जोशी। राजस्थान में शासन सचिव सचिवालय की स्थापना कब हुई? नवंबर 1949, अप्रैल 1950, अप्रैल 1949, नवंबर 1950। करेक्ट आंसर है अप्रैल 1949 में हुई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह, अतिमा मुर्दिया, अमरजीत कौर। करेक्ट आंसर होगा कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर। करेक्ट आंसर होगा धौलपुर।
पंचायत राज व्यवस्था है, स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थान स्थानीय स्वशासन की। करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण स्थान स्थानीय स्वशासन की। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। राजस्थान में दानचंद चौपड़ की हवेली कहाँ है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतरी, किशनगढ़। करेक्ट आंसर होगा सुजानगढ़ में। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। आभा नेरी को प्रकाश में लाने का श्रेय किस पुरातत्व वेत्ता का है? वीरेंद्रनाथ मिश्र, केदारनाथ पुरी, ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर। करेक्ट आंसर होगा केदारनाथ पुरी। चंद्रभागा मेला कब आयोजित होता है? अक्टूबर नवंबर, जनवरी से फरवरी, अगस्त दिसंबर, दिसंबर जनवरी। करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। किस त्यौहार पर समी वृक्ष की पूजा की जाती है और लिटिल पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? लिलिटा पक्षी का दर्शन, लिलिटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। दशहरे पर, शरद पूर्णिमा पर, धनतेरस पर, चतुर्दशी को। करेक्ट आंसर होगा दशहरे पर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है देवरा, पथवारी, शनिदेव की, दुर्गा माता की। तो करेक्ट आंसर होगा पथवारी जी की। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है? रमझोल, नौबत, अलगोजा, नाड़ा। करेक्ट आंसर होगा नौबत। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया वालम किस राग में गाया जाता है? मांड, पीलू, सारंग, मोड़। करेक्ट आंसर होगा मांड। मांड राग में गाया जाता है। विवाह से संबंधित रचनाएं हैं काकंडोरा, पहरावणी, परिपड़ला, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जाम्भो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है? मुकाम तालवा, सम्राथल, पीपासर, जाम्भा। करेक्ट आंसर होगा सम्राथल। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, राम। करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण का। रायमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया नामक वीरों का संबंध किस युद्ध से है? हल्दीघाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरिसुमेल का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। एक मिनट, डूंगर साहिब ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। करेक्ट आंसर होगा जोधपुर।
तो यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि डूंगर साहिब, तो डूंगर साहिब में डूंगरपुर लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही आंसर जोधपुर होगा। कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुनादास, भगदाराम, नानकराम, नंदराम। करेक्ट आंसर होगा नानकराम। नानकराम अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। कुबलयमाल में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8, 18, 6, 28। करेक्ट आंसर होगा 18। अमीर मदमर्दन है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो हमीर मदमर्दन के रचयिता है। यहाँ पे भी नैन चंद्र सूरी, जयसिंह सूरी, हरिभद्र सूरी और उद्योतन सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयसिंह सूरी। सांकला, सांकला हरबू का, सांकला हरबू का हाल किसके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है? बापूजी, रामदेव जी, देव नारायण जी, जसनाथ जी। करेक्ट आंसर होगा देव नारायण जी। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 16 मार्च 2016, 30 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 25 फरवरी 2016। करेक्ट आंसर होगा 30 जून 2014। निम्नलिखित में से कौन 5 बार राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी था? अभिजीत गुप्ता, प्रज्ञानंद, विश्वनाथ आनंद, डी के गोकेश। करेक्ट आंसर होगा अभिजीत गुप्ता। एक घर में 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए? यहाँ पर 6 चूल्हे हैं। एक घर में 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गिलुंड, बागौर। तो करेक्ट आंसर होगा आहड़। गुर्जर प्रतिहार की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मारवाड़, जालौर, मंडौर, उज्जैन। करेक्ट आंसर होगा मंडौर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576, 1676, 1566, 1768। करेक्ट आंसर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। करेक्ट आंसर होगा गंगा सिंह। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल, सोमेश्वर। तो करेक्ट आंसर होगा सोमेश्वर। तो ये क्या टाइपिंग मिस्टेक है और इस वजह से थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप तो बस जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो, ये आपकी तैयारी के लिए है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1313 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, ईडर है ये, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। तो करेक्ट आंसर होगा मानगढ़ में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जनजाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? शेख, मनसा, मेव, धाकड़। तो करेक्ट आंसर होगा धाकड़ जनजाति के, सॉरी धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक थे बिजोलिया किसान आंदोलन में। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर रियासत से। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री। करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 लागू हुआ 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 नवंबर। तो ये लागू हुआ था, करेक्ट आंसर 1 अप्रैल। करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हुआ था और 29 मार्च 29 मार्च को इस पर अधिसूचना जारी की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद, निर्मितवाद से, संज्ञानवाद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा व्यवहारवाद से संबंधित है। किसी व्यक्ति की जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? आयु वृद्धि, अधिगम, परिपक्वता, सभी। तो इसके लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं परिपक्वता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए परिपक्वता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जैविक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता का होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास में तीव्रता। करेक्ट आंसर होगा नैतिकता का होना। इच्छाओं की जननी किसे कहते हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा इड, इड होगा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण किसने प्रस्तुत किया? आरवी कैटल, हेंस आइजैक, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। करेक्ट आंसर होगा हेंस आइजैक। पच्चीस वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, आईक्यू लेवल क्या होगा? 25, 64, 18, 100। करेक्ट आंसर होगा 64। MA/CA मानसिक आयु / शारीरिक आयु / 100।
कोहलर ने अधिगम का प्रयोग किस पर किया? कुत्ता, चिंपांजी, बिल्ली, कबूतर। करेक्ट आंसर होगा चिंपांजी पर किया था। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, सभी। तो ये सभी हो जाएगा। डिसग्राफिया एक प्रकार है चलन का, दृष्टिदोष का, मानसिक मंदता का, अधिगम अक्षमता का। तो करेक्ट आंसर होगा अधिगम अक्षमता का। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मकता के लिए किया है। अब ये हमारे प्रश्न शुरू होते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वेब पेज खुलता है वेब सर्वर पर, सॉरी वेबसाइट पर, वेब ब्राउज़र पर, वेब सर्वर पर, किसी पर नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा वेब सर्वर पर खुलता है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है क्लैड, ब्रिज, ब्रिज है ब्रिज, ब्रिज, मॉडेम, राउटर। तो करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। कौन सा ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, पुस्तक, कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा पुस्तक। निजता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सत्यनिष्ठा, सोशल मीडिया, गोपनीयता, अधिप्रमाणन। करेक्ट आंसर होगा गोपनीयता। ये हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। आईसीटी का अर्थ है इंटरनेट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंटरकॉम एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। 80 क्वेश्चन लिए थे, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये सभी के लिए थे। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। इसी तरह अगला टेस्ट पेपर लाते रहेंगे, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किस तरह का आपको टेस्ट पेपर चाहिए। और आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।